साथियों, आज हम बातें कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये महीना कम से कम होना चाहिए। जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि हमने पूरा संपत्ति मांग दिया है। आज की तारीख में सोचो जरा कि आज की तारीख में कैसे घर चल सकता है? क्या 18,000 रुपये जरूरत नहीं है? आज की तारीख में 7,000, 8,000, 10,000 में क्या परिवार चल सकता है? क्या तरीके से हम एक घर में रह सकते हैं उतने पैसे में? आज की तारीख में 4,000, 3,000, 4,000, 4,500 में तो मकान का किराया लग रहा है, किराने का सामान लग रहा है, कितने का, इतना महंगाई है हर चीज का, बच्चों का स्कूल कितना महंगा है, गैस सिलेंडर से लेकर के सारी, कैसे हो जाएगा इतने पैसे में? 18,000 कम से कम पैसा वेतन होना है, इसके लिए हमको संघर्ष करना चाहिए। इसके लिए हमको चुप रहने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमको संघर्ष करना चाहिए। दूसरा जो सवाल है, आप ये समझो कि जो हमारे देश के जो संविधान के जो चलाने वाले सांसद विधायक हैं, इनने अपनी सैलरी कितनी बार बढ़ा ली? वो कितनी कितनी बढ़ा ली, कई बार बढ़ गई, ध्वनिमत से पारित हो गई। मगर जैसे ही कामगारों का सवाल आता है, आम जनता के लोगों का सवाल आता है, ये क्यों पैसा मांग रहे भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, इनको पेंशन क्यों देना है? तो ये सवाल क्यों हो रहा है? अगर हमारे देश के सांसद विधायक जिनको जनता ने चुन के भेजा है वो अपनी सैलरी 10 बार बढ़ा सकते हैं, तो भाई एक बार सैलरी कम से कम मजदूरों की इतनी तो कर दो कि जिसमें कम से कम वो अपना परिवार का पेट पाल सकें, अपने परिवार का गुजारा कर सकें, सुख में कम से कम जी सकें। इतना वेतन तो होना ही चाहिए भाई, 18,000। और दूसरा आपको एक और बताना चाहता हूँ मैं कि जो हमारा आज़ादी के बाद एक फार्मूला बना था उसके आधार पे अभी लगभग 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। तो बाकी सब फार्मूले उससे आगे चले गए, मगर मजदूर का फार्मूला उससे नीचे हो गया। 24,000 होना चाहिए तो 7-8 हज़ार है। इसलिए साथियों, 18,000 की मांग बिल्कुल जायज है। हम और हमको हर तरह से आज की तारीख में मिनिमम 18,000 रुपये हर स्तर में, गड्ढा खोदने वाले को भी 18,000 रुपये मिलना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। इस मांग के लिए मेरा निवेदन है सारे नौजवानों से, सारे जितने भी पढ़े लिखे साथियों से, कि आप इसकी मांग में शामिल हो। पैसा कैसे बढ़ेगा? और पैसा नहीं बढ़ेगा तो आपके घर में खुशहाली कैसे आएगी भाई? पैसे बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। और पैसा हमको मजदूरों से आता है, काम से आता है, और तो कोई तरीका नहीं पैसा आने का परिवार के लिए। तो मजदूरी का जो दाम है, श्रम का दाम, कम से कम 8 घंटे काम करने का महीने में 18,000 रुपये होना चाहिए, ये हमारी जरूरत है। इससे दूसरा जो पक्ष का फायदा होगा, सारा समाज में विकास होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पैसा दुकानदारों के पास जाएगा, दुकानदारों की दुकानें चलेंगी, पूरी चैन है। इसलिए जो 18,000 वेतन की मांग है ये बिल्कुल जायज है, हम सबको इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और साथियों, मैं तो दोषी मानता हूँ जनता को, हमारे नौजवान भाइयों को, क्योंकि जब भी कोई मांग आती है उनको 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 लगता ही नहीं कि हमें मांग उठाना चाहिए, तो सरकार क्यों देगी? इसीलिए नहीं दे रहे वो। अगर हमको ये लग रहा है कि ये करना है, तो भाइयों आप अपने दिमाग में बसा लो कि हमको सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, सरकार को घेरना पड़ेगा, घेर के उनके पास जाके जो है जाम करना पड़ेगा, उनको मजबूर करना पड़ेगा, ये सरकार बढ़ाएगी। हम लोग निकले तो एक बार घर से, हमको घर में बाहर जो आंदोलन होता है, हमको बाहर आने में शर्म आती है। किस बात की शर्म भाई? हमारा पेट का सवाल है, हम नहीं लड़ेंगे तो क्या कोई दूसरा लड़ेगा? जो पूंजीपतियों की सरकार है अटानी अंबानी की, जिनके लिए ये लोग जो है कम पैसे में काम कराने का काम कर रहे हैं, तो कब मोदी जी हमारा वेतन बढ़ाने की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, हम सबको लड़ना पड़ेगा। इसलिए सब लोग इकट्ठे हो और इस मैसेज को फैलाओ। 9, 10, 11 को जो आंदोलन दिल्ली में हो रहा है उसमें लाखों करोड़ों मजदूर शामिल हो, दिल्ली चलो। और अगर दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये सारे मैसेज फैलाओ कि कम से कम 18,000 रुपये वेतन चाहिए, पूरे देश में 18,000 रुपये वेतन चाहिए। मोदी जी को मैसेज पहुंचाओ, सारे मंत्रियों को पहुंचाओ कि 18,000 से कम वेतन से हम नहीं मानेंगे भाई, 18,000 हमें चाहिए। तो ये बिल्कुल जायज मांग है, इस मांग के लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी करें। और कई बार हमारे भाजपा के साथी झूठी खबर उड़ा देते, मोदी जी ने 18,000 वेतन कर दिया, व्हाट्सएप पे कई बार उड़ाते खबर, अरे 18,000 कर दिया, हुआ आज तक नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जायज मांग है, ये कोई नाजायज मांग नहीं है, और इसको जायज मांग को आज के देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है कि इस मांग को मोदी जी माने और ये सरकार माने, ताकि ये कम से कम एक मिनिमम अमाउंट आम जनता के, एक आम आदमी को मिल सके। इसमें सब लोग सहयोग करें,
मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे, जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, रोने गाने से कुछ नहीं होने वाला, घर पर बैठने से कुछ नहीं बदलने वाला, कोई तुमको आके पैसा नहीं बढ़ाने पड़ेगा, तुम्हारी लड़ाई हमारी लड़ाई, हमको खुद लड़ना पड़ेगी। चलो अभी से सही, आज से ही सही, इस आंदोलन में शामिल हों सब लोग। धन्यवाद।